नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहि सलाम की हयात तैयबा पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहि सलाम पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सातवें जानशीन, हमारे सातवें इमाम और सिलसिले इस्मत की नबी कड़ी हैं। आपके वालिदे माजिद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो सलाम और आपकी वालिदे माजिदा जनाब हमीदा खातून थी। आपके मुतालिक हजरत मोहम्मद बाकिर अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया था कि आप दुनिया में हमीदा और आखिरत में महमूदा हैं। हमारे सातवें इमाम का इस मुबारक मूसा और कुनियत अबुल हसन है। आपके मशहूर अलकाब काजिम, साबिर और सालेह। इमाम की तारीख विलादत 7 सफर सन 128 हिजरी और तारीख शहादत 25 रजब सन 183 हिजरी है। कुल उम्र आपकी 55 साल। अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखते हैं, इल्म मारिफत और कमाल में इमाम मूसा कादिम अलैहि सलाम अपने पितरे बुजुर्गवार के वारिस हकीकी थे और आप सालेह आबिद सखी हलीम करीम जी कद्र और कसीर इल्म थे। सब्बाग मालिकी लिखते हैं, मूसा कादिम अलैहि सलाम अपने जमाने में सबसे ज्यादा इबादत गुजार आलिम सखी और करीम नफ्स थे। फकराए मदीना पर रहम करते और रात में खुफिया तौर पर दिरहम और दीनार उनमें तकसीम करते थे। अबू हनीफा कहते हैं कि मैंने फरहंदे इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम को नमाज पढ़ते देखा कि वह नमाज पढ़ रहे हैं और लोग उनके सामने से बराबर गुजर रहे थे, तो मैंने इस मंदिर की अक्कासी उनके पितरे बुजुर्गवार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से की। हजरत ने इमाम मूसा कादिम अलैहि सलाम को आवाज दी, वहां दी आपने फरमाया, बेटा अबू हनीफा कहते हैं उनका कहना यह है कि तुम नमाज पढ़ रहे थे और लोग तुम्हारे सामने से गुजर रहे थे। इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया, बाबा जान, लोगों के गुजरने से नमाज पर क्या असर पड़ता है? वो हमारे और खुदा के दरमियान हायल तो नहीं हुए थे, क्योंकि वो तो अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, रगे जान से भी ज्यादा करीब है। ये सुनकर आपने उन्हें गले लगा लिया और फरमाया, इस बच्चे को असरारे शरीयत अता हो चुके हैं। इमाम मूसा कासिम अलैहि सलाम को सलातीन जमाना ने मुतअद्दिद कैद खानों में रखा ताकि इल्मो हिकमत बंदगाने खुदा तक न पहुंच सके, मगर तारीख लिखने पर मजबूर हो गई कि कैद के निगहबान भी इमाम की सदाकत का कलमा पढ़कर इमाम के पैरोकार बन गए। आपका कैद खाना निहायत ही तंगो तारीख था। आ हजरत की इबादत को देखकर दारोगा जिंदान को हया दामनगी हुई और हजरत को एक अच्छे मकान में जिसमें जिंदगानी दुनिया की काफी सहूलतें फराहम थी ले आया। 3-4 रोज के बाद दारोगा जिंदान ने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्द की, यमना रसूलल्लाह, अब तो आप आराम से हैं, अगर कोई तकलीफ हो तो इरशाद फरमा दें ताकि उसका भी तदारुक किया जाए। आपने इरशाद फरमाया, भाई
इस जगह से तो वो तंगो तारीक मकान मेरे लिए बेहतर था। दारोगा जिंदान ने अर्ज की, मौला ये मकान तो निहायत ही अच्छा है और इससे पहले वाला मकान वो था कि जिसमें आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे मौला। तो इमाम ने फरमाया, मकान तो अच्छा है मगर मुझे इसमें ज्यादा तकलीफ है, वो ये कि इस मकान के पड़ोस में गवैयों के घर हैं, जब वो गाना शुरू करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तू मुझ पर एहसान कर कि इसी मकान में उसी मकान में ले चल, तू मुझ पर एहसान कर कि उसी मकान में ले चल। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इमाम को कितनी तकलीफ गाना गाने वालों से पहुंची। अब अगर कोई इमाम को मानता है और वो गाना गाए या गाना सुने तो इंसाफ से बताएं कि हमारे वक्त के इमाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अफसोस अफसोस, जिस मोबाइल में 2 महीने 8 दिन नौहे होते हैं उसी मोबाइल में मस्कुरा याम गुजरने के बाद गाना, अइमा ताहिरीन को कितनी तकलीफें पहुंचती होंगी। इसीलिए हमारे सातवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि लोग जिस कदर नए नए गुनाह याद करते हैं, खुदा बंदे आलम उसी कदर उन पर ऐसी नई नई मुसीबतें नाजिल करता है जो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती थी। इस मखदूम इमाम ने अपनी उम्र के 14 बरस या बराबर थे 8 बरस या 9 बरस कैद खाने में गुजारे। हारून ने अपने गुलामों के जरिए इमाम को जहर देने के लिए जहर आलूद अंगूर भेजा। इतना जहर आलूद अंगूर था कि इमाम ने सिर्फ एक दाना सनदी मलून के साथ आए हुए कुत्ते के सामने फेंका, जिसको खाते ही वो दुनिया से चला गया, मर गया वो कुत्ता। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसमें से चंद दाने खाए और फरमाया कि ऐ मुसय्यब, मैं सिर्फ 3 दिन और इस दुनिया में रहने वाला हूं। मुसय्यब बयान फरमाते हैं कि इमाम ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, इमाम सिर्फ 3 दिन इस दुनिया में रहे। मगर अज़ादारों, इमाम का जनाजा बड़ी बेदर्दी के साथ हम वालों ने जसरे बगदाद पर ले जाके रख दिया। नाज़ेबा कलामात इमाम के सिलसिले में दुश्मन कहते रहे, ये आवाज सुलेमान बिन जाफर तक पहुंची। वो आए और आने के बाद इमाम के जनाजे को अपने कब्जे में ले लिया और लेने के बाद जब चादर हटाई तो अजीब मंजर देखा, हाथों में और पैरों में जंजीरें थी। उसने सुलेमान ने जंजीरों को काटा उतारा और उसके बाद इमाम को 2500 का कफन पहनाया जिस पर कुरान मजीद तहरीर था। आप इंसाफ से बताएं कि वक्त का हमारा और आपका मौला इतनी गुर्बत में आलम मुसाफरत में इस कायनात से चला गया, मगर सुलेमान जैसा इमाम का चाहने वाला कम से कम मिल तो गया। मगर हाय गरीब जहरा, कौन था जो हमारे इमाम मजदूम में हमारे मजदूम करबला को गुस्ल देता, कफन देता। एक बेटा तो था मगर हाथों में कड़िया थी और पैरों में बेड़िया थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।